अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आई लाइक प्लांट्स। तो आज हम मिंट प्लांट की कटिंग ग्लो करने वाले हैं। जिसे ये तुलसी लीफ की फैमिली से है, इसे मुश्त बीबली भी कहते हैं। तो ये इसकी सीड, इसको हम स्प्रिंकल कर देंगे। ऐसे ही सॉफ्ट सॉइल लेनी है, इसके अंदर उंगली इजीली चली जाएगी फिंगर। तो हम स्प्रिंकल कर देते हैं पर सीड्स को। हल्के हल्के आता सा उसको प्रेस कर देना है। ये प्रेस करने के बाद ऊपर हमने हाफ हाफ इंच की लेयर करनी है इसकी। ये है यह कोयले की राख, हम इसकी लेयर कर देंगे हाफ हाफ इंच की। देखिए कुछ इस तरीके से। ये एंटी फंगस होता है जिससे आपके प्लांट को फंगस नहीं लगेगा इसके सीड्स को। और जब आपको प्लांट ग्रो होना स्टार्ट हो जाए, तो जब रेड ड्राई हो तो आपने ऊपर से ये वाला एरिया हटा देना, मतलब कि ऊपर से ये कोयले की राख उठा देनी है, क्योंकि उसकी रूट्स को इसकी वजह से हवा नहीं लगती है। इसलिए बस ये सीडलिंग में ज़्यादातर इस्तेमाल कीजिएगा। तो अब देखते हैं कितनी देर बाद ग्रो होता है। आज इसको हो गए हैं 80 दिन, मतलब 80 डेज हो चुके हैं। इसको तकरीबन 3 मंथ के करीब ही हो चुके हैं। हमारा एक ही प्लांट ग्रो हुआ है, बाकी ग्रो नहीं हुए हैं। मैंने इसको देखा ही नहीं। मैं आपके साथ पहले भी इसका रिज़ल्ट शेयर करना चाहता था, बट तब मुझे बुखार था और बाद में टाइम भी नहीं लगा। जब मैंने इसको देखा तो इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी थी। देख के मुझे नहीं लगा ये मुश्क बीबी है। जब इसकी स्मेल से मुझे पता चला ये मुश्क बीबी ही है। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर देना। इस तरह आप भी अपने गार्डन को खुशबूदार बना सकते हैं इसको ग्रो करके। अल्लाह हाफिज़।